अदापास है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे दोस्तों आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन के कोर्स की एपिसोड थर्टीन है जिसमें हम मुख्त कह रहे हैं और अभी मैंने इससे पहले एक किताब दिच गैकपोर गैक पढ़ी थी और आजकल हम जो ना, है।, तो, ए, जाग जाग है।, हम है ना वो एक्टोमिकबिट्स पा रहे हैं तो पिछले विगम जब आप जाके देख सकते हैं हम इसके कुछ जो है ना वो हेडिंग्स पा चुके हैं हाँ बेसिकली इसमें चार लाज बताए गए हैं और लाज नंबर वन है कि मेक इट ऑब्वियस उसके अंदर कुछ हेडिंग्स है हम वो पा रहे हैं तो आज हम देखेंगे जी ये सीक्रेट टू सेल्फ तो कंट्रोल ये एक है जो वो लाबर वन मेक इट ऑब के अंदर लेकर आता है ठीक है इस पे बात करता है वो इसमें वो कहता है कि जो ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज इज मेक इट इनविजिबल ठीक है अब थोड़ी बाहर समझ जाएगी पीपल विद हाई सेल्फ कंट्रोल अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एक बार आदत बन तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है कि इंसान उसको भी बुला पाए ठीक है दूसरा कहता है कि इनवर्स जो उल्टा किस ऑफ बिहेवियर चेंज करा कि, कि मेक एक ऑब्वियस ठीक है आपके इर्द हो वो ठीक है इसमें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की है तो कह रहा है कि इसका उल्ट ये है कि मेक एक इनविजिबल जो चाहते हैं ना आदत खत्म करना उसको इनविजिबल यानी कि वो आपके इर्ग गर्द ऐसी चीजें ना हो जो आपको उसकी तरफ लेके जाए उस आदत की तरफ फिर अगर बात करता है कि एक आदत अगर बन जाए तो फिर वो उसको बुलाना मुश्किल होता है That, People with high self-control tend to spend less time in tempting situations. It is easier to avoid temptation than resist it. जो पीपल जो अपना जिन, आ, जिनको अपने बहुत कंट्रोल होता है वो इस पर क्या वेस्ट नहीं करते कि वो जो कोई जो टेम्पटेशन है इस मुश्किल है जिंदगी में कोई ऐसी चीज है किसी काम की नहीं है ठीक है मुश्किल चीजों पर वो उसको एग्जिस्ट नहीं करते जाए ठीक है फजूल चीज़ों को बल्कि वो उसको अवॉइड करते हैं ठीक है इट इट इजियर टू अवॉइड टेम्पटेशन दैन रजिस्ट इट बजाय उसको एग्जिस्ट करने के मुकाबला करने के आप अपना वक्त ज़्यादा करेंगे कोई ऐसी मुश्किलियाँ आती हैं या फजूल चीज़ें हैं जो आदात हैं जो

नोट लॉन्ग टर्म नोट टर्म शॉर्ट टर्म है ठीक है अपने आप ज्यादा देर के लिए अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकते यहाँ पे कहना ये है ठीक तो है तो ये टर्मी का है लॉन्ग टर्म नहीं है लॉन्ग टर्म यह है कि जब आप जो आदत चाहती है अपनाना उसको अपने कुछ अपने माहौल रखें ऐसी ऐसी रखें चीजें जो आप, आपको वो आदत अपनाने में आसानी पेश करें और उन चीजों को अपने आप इर्ग से खत्म करें जो आपको बुरी आदत तरफ लेके जाती है बात में, अब होता है जो है 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 फर्स्ट में होता जो जो मेक मेक इट और इसकी जो पहली है, वो हाउ टू अ हैबिट इज कैसे हमें एक आदत को ऐसा बना सकते हैं कि उसको हमें रेजिस्ट ना करना पड़े उसके खिलाफ हमें जल्द जायज ना करनी पड़े वो कहता है मोरक्टिव एंड ऑपरचुनिटी इज द मोर बी कम बिकम अब जितना ज्यादा जो होगा ना नाटिव कोई अपॉर्चुनिटी कोई मौका होगा उतना हमें हमें दिल करेगा कि हम वो आदत अपनाएं क्योंकि देखेंगे हमें तबाह नाम मिल रहा है फिर हम वो आदत जल्द अपना लेंगे मोटिवेशन टू एक्ट कहते हैं जब ये जो ना ये हमारी आदात होती है ये डोपीन के मुताबिक चलती है जाता है ठीक है ये ठीक है तो जब हमारा डोपीन डु, डु, हमें कोई किसी चीज की ख्वाहिश करेगा ना ठीक है जो हमें अच्छी लगती होगी तभी जाकर हम कोई आदत बना सकते हैं ठीक है हम वो आदत नहीं बना सकते जिसको हमारा डोपीन यानी कि जिसकी हमें ख्वाहिश नहीं है ठीक है हम वो आदत नहीं बना सकते आसान लफ्जों में फिर कहता है इट इज द एंटिसमेंट ऑफ अ नॉट द फुलफिलमेंट ऑफ इट दैट गेट्स अस टू टेक एक्शन द द गेट्सिपेशन यहाँ बात करता है कि ये वो इनाम होता है ये इनाम की तो होती है जो हमें कोई भी एक्शन लेने पर मजबूर करती है कि हम ये आदत बनाएंगे अच्छी आदत है तो हमें इसका ये इनाम मिलेगा तो कला किसी भी चीज की जो आ, होती है ना इनाम की तो होती है वो हमें कुछ एक्शन लेने पर कुछ अच्छी हैबिट्स अपनाने पर मजबूर करती है ना कि तोबारा ये कहता है कि जितना अच्छा इनाम होगा जितना बड़ा इनाम होगा उतना ज्यादा आपका दिल करेगा उतना ज्यादा आपको आसानी होगी वो काम करने में यानी कि वो हैबिट अपनाने में

चाहते हैं अपनाना और एक आदत जो आपको अपनानी चाहिए ठीक है चाहती नहीं है लेकिन चाहिए आपको आदद आदद आपके हो, होनी चाहिए। ठीक है तो उन दो आदत का आप अपना बनाए पे बनाए तो आप इस तरह अपनी जो आदत है उनको अट्रेक्टिव भी बना सकते हैं और अच्छे रिजल्ट भी हासिल कर सकते हैं अगले एक्टिंग जी आ, के द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स

बाई अवर कल्चर बिकॉज बिलोंग टू कहते हैं हम वही अदालत अपनाते हैं जिनको हमारे इर्ग गिर्देश में सोसाइटी में लोग हम वो अदालत अपनाते हैं जिनको अगर हम अपनाएं तो हमारे जो लोग हैं माशे में रहने वाले लोग हैं वो उस उन आदात को प्रेस करते हैं उनकी तारीफ करते हैं उन अदात की हम वही अपनाना है चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक जर होती है हमारी ख्वाहिश होती है बहुत ज़्यादा कि हम जो ना दे दे ना है ना मुशे में किसी तरह फिट रहें यानी कि हम माशरे का हिस्सा ही लगे यानी कि हम माशरे में एक जमातें आएगा कबीला एक सोसाइटी है हम उससे बाहर ना जाए थिंक आउट ऑफ वॉक्स नहीं करते यानी कि आसान लफ्जे में अक्सर लोग चाहते हैं कि हम माशरे का हिस्सा बना रहे हैं और माशरे से अलग ना हो यानी कि आसान में उनको तनह होने का खौफ होता है के साथ रहना चाहते हैं इसलिए वो वो अपना, आज अपनाते हैं जो उनका माशरा जो उनकी सोसाइटी जिसकी तारीफ करती है जिसकी हफजाई करती है कहते है हैं हम तीन जो हमारे माशरे में होते हैं बड़े सोशल ग्रुप्स उनके आजाद अपनाते हैं एक तो हमारे द क्लोज वन हमारे दोस्त फैमिली फ्रेंड्स फिर दूसरे होते हैं हमारा कबीला आज नहीं हैं, आ, 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 का वक्त कबीला जो इलाका कर सकते हैं आप इसे दैन द ट्राइब तो फिर देखता द पावरफुल तीन लोगों की आप अपनाते हैं एक तो फैमिली फ्रैंक्स यानी कि फैमिली ऑफ फ्रैंक्स यानी दो से बाप दूसरा कबीला या लिखा हुआ है लेकिन आज को आज के टाइम में देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं आपके शहर के, के लोग या आपके इलाके के लोग तीसरा उसने कहा द पावरफुल वो लोग जिनका बहुत हाई स्टेटस होता है आपके कुमार में ठीक है चाहे वो पैसे की वजह से हो जिसकी वजह से हो ना तो वो लोग जिनके आपके कमाशिया में बहुत पावरफुल होती हैं उन तीन लोगों को आप देखते हैं इन तीन जो ग्रुप्स हैं सोशल ग्रुप्स हैं उनको आप देख के अपनी आदात बनाते हैं फिर बात करते हैं मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स यू कैन डू टू बिल्ड हैबिट्स टू जॉइन अ कल्चर अब चाहते हैं ना कि ऐसी चाहते हैं अपना जो कुछ बेहतर आदात चाहती हैं अपनाना तो एक तो यह हो सकता है कि आप जिस कल्चर में रह रहे हैं, में में रही हैं उसी में वो चीज़ हो जिस सर्गी में रह रही हैं उसी में वो आदात हो फिर आपके लिए तो वो आदत अपनाना आसान होगा जो न्यू आदत आप चाह रही है अपनाना वो आपके लिए अपनाना उस पर अमल करना आसान होगा क्योंकि आपके इर्द गिर्द लोग उस चीज़ को परेज करते होंगे उसकी तारीफ करते होंगे उसकी अफजाई करते होंगे तो फिर आपको करने में आसानी होगी लेकिन इसका उल्ट है ऐसा नहीं है ठीक है तो फिर भी आप चाहते हैं कि अच्छी आदत अपनाना तो उसके उसका क्या कह सकते हैं उसको यहाँ पे सहता है कि फिर आपको ऐसा कल्चर ऐसी सोसाइटी करें जहाँ पे जो आदत आप अपनाना चाहते हैं उसकी तारीफ या उसकी हौसला अफजाई की जाती हो ठीक है तो फिर उस तरह करेंगे आप उस तरह की सोसाइटी ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको हौसला अफजाई मिलेगी और फिर आपको वो आदत अपनाने में आसानी भी होगी तो फिर आगे बात करता है कि द बिहेवियर ऑफ टाइप बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स ए टाइपिजुअल्सर कैन गेट अप्रूवल रिस्पेक्ट एंड प्लेस वी फैंड तो आप इसकी वजह क्या है कि अगर हमारा बिहेवियर जो हमने पीछे बात की भी यहाँ पे कि अगर जो हमारा बिहेवियर है उसको मार्शे में अप्रूवल मिलेगी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे उसकी तारीफ करेंगे उसकी रिस्पेक्ट करेंगे ना तो हमें वो चीज़ अच्छी लगेगी हम कहेंगे यार ये काम करने से हमें तारीफ मिलती है हमें रिस्पेक्ट मिलती है फिर हम वो काम करना चाहेंगे ठीक है वो आदतना हमारी आसान होगी इसलिए ध्यान लिखता है वो ओवर पावर्स इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर पे ना पा जाता है जो माशरे का बिहेवियर होता है ठीक है तो इसलिए जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल लोग होते हैं वो अपनी आदात पे इसलिए अमल नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐसी सोसाइटी में होते हैं जहाँ पे उनको प्रेज नहीं किया जाता है या फिर उनकी हूसा नहीं की जाती इसलिए क्योंकि जो बिहेवियर होता है ट्राइब का इलाके का जो बिहेवियर सोसाइटी का जो बिहेवियर होता है वो ओवर पावर करता है या फिर कम करता है किसके बिहेवियर को इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इन सारी लोगों के बिहेवियर को वो कम करता है ठीक है तो इसलिए ये कुछ पॉइंट्स प्रक है अगली है जी मेक की लाला बट्टू की हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द काजेज ऑफ योर बैग हाफिक्स इसका हम इन अगले वीडियो में हम करेंगे आज के लिए इतना ही उम्मीद करता तो करते बात समझ आ गई होगी जो बात की है और अगर आपको मेरी काविशा पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक करें इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि अभी इसकी बहुत सी और वीडियोज आनी है अपना ख्याल रखें खुश खुशी मिलते हूँ आपसे अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज